हेलो चिल्ड्रेन, टुडेज आवर टॉपिक इज टू लिटिल किटन्स फ्रॉम द इंग्लिश रीडर बुक ऑफ डीएबी क्लास 3। यू विल रीड द पोएम विथ मी एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग्स, बट बिफोर दैट लेट अस डू द वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स नंबर 1 स्टॉर्मी तूफानी, नंबर 2 टॉर्टोइज सेल चितकबरी बिल्ली, मतलब ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ऑरेंज, इस तरह के कई कलरों वाली बिल्ली। स्पिटिंग मतलब थूकना। नंबर 4 स्वीपिंग ब्रूम मतलब साफ सफाई करने वाली झाड़ू। नंबर 5 फ्रॉस्ट मतलब तुसार। नंबर 6 स्नो मतलब हिमपात। नंबर 7 नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं। नंबर 8 सीवर्ड मतलब कांपना। नंबर 9 लाई मतलब लेटना। नंबर 10 स्क्रैचिंग मतलब नोचना। सो नाउ लेट अस रीड दिस पोएम, दिस इंटरेस्टिंग पोएम, अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। टू लिटिल किटन्स वन स्टॉर्मी नाइट बिगेन टू क्वारल एंड देन टू फाइट। ये एक तूफानी रात थी और दो छोटे से बिल्ली के बच्चे झगड़ने लगे और फिर मारपीट करने लगे। One had a mouse and the other had none, and that was the way the quarrel began. एक के पास एक चूहा था और दूसरे के पास कुछ नहीं, और इसी को लेके लड़ाई शुरू हो गई। I will have that mouse, said the bigger cat. You will have that mouse. We'll see about that. बड़ी वाली किटन ने कहा, मैं ये माउस तो लेके रहूंगी। तब दूसरी वाली किटन ने कहा, ठीक है, देखते हैं तुम कैसे लेती हो। आई विल हैव दैट माउस, सेड द टॉर्टोइज सेल एंड स्पीटिंग एंड स्क्रैचिंग ऑन हर सिस्टर सी फेल। छोटी वाली कैट ने कहा, जो चितकबरी थी यानी जो जिसके बॉडी में कई सारे कलर्स थे, उसने कहा ये माउस तो मैं लेके रहूँगी, और फिर दोनों में स्पीटिंग और स्क्रैचिंग शुरू हो गया। फिर वो अपने सिस्टर के ऊपर गिर गई। आई हैव टोल्ड यू बिफोर इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट वेन दिस टू किटन्स बिगेन टू फाइट। मैंने पहले ही बताया है कि एक तूफानी रात थी जब दोनों किटन्स आपस में लड़ रही थी। द ओल्ड वूमन टुक द स्वीपिंग ब्रूम एंड स्वेप्ट देम बोथ राइट आउट ऑफ द रूम। उस बूढ़ी औरत ने फिर अपनी झाड़ू उठाई और उन्हें झाड़ू देके रूम के ठीक बाहर निकाल दिया। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रोस्ट एंड स्नो, दे हैड लॉस्ट द माउस एंड हैड नोवेयर टू गो। बाहर ग्राउंड तुसार से ढका हुआ था और वो दोनों बिल्लियां माउस को खो चुकी थी, और जाने के लिए अब पास कोई जगह भी नहीं बची थी। So they lay and shivered beside the door till the old woman finished sweeping the floor. क्योंकि उन दोनों किटन्स के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए जब तक वो बूढ़ी औरत का फ्लोर पे झाड़ू देना नहीं हो जाता, तब तक वो दोनों किटन दरवाजे के पास में कांपते हुए बैठी रही। And then they crept in as quiet as mice, all wet with snow and as cold as ice. और अब वो चूहे की तरह चुपचाप से घर में घुसी। वो तुसार से पूरी भीग चुकी थी और बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। They found it much better that stormy night to lie by the fire than to quarrel and fight. Written by Jane Taylor. उन्होंने देखा इस तूफानी रात में लड़ने झगड़ने से कहीं ज़्यादा अच्छा है आराम से इस आग के पास में बैठे रहना। सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल पोएम टू लिटिल किटन्स बाय जेन टेलर। नाउ वी विल रीड द पोएम टू लिटिल किटन्स। टू लिटिल किटन्स वन स्टॉर्मी नाइट बिगेन टू क्वारल एंड देन टू फाइट। वन हैड अ माउस and the other had none, and that was the way the quarrel began. I will have that mouse, said the bigger cat. You will have that mouse. We'll see about that.
I will have that mouse, said the tortoise shell, and spitting and scratching on her sister she fell. I have told you before, it was a stormy night when these two kittens began to fight. The old woman took the sweeping broom and swept them both right out of the room. The ground was covered with frost and snow. They had lost the mouse and had nowhere to go. So they lay and shivered beside the door till the old woman finished sweeping the floor. And then they crept in as quiet as mice, all wet with snow and as cold as ice. They found it much better that stormy night to lie by the fire than to quarrel and fight. So children, if you like the video, then don't forget to like, comment, share. And till now, if you have not subscribed my channel, then subscribe it and press the bell icon so that you can be notified whenever I upload a new video. Thanks for watching. Bye bachcho, milte hain next video mein.